नमस्कार मित्रों, मैं देवेश पंडा आज पुनः आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक नया टॉपिक लेके। दोस्तों, आज का टॉपिक है शनि महाराज को कैसे प्रसन्न किया जाए, क्योंकि जब भी शनि महाराज शनि देव की बात चालू होती है लोगों के मन में एक भय का वातावरण अपने आप ही क्रिएट हो जाता है, जबकि ऐसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं अपने पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ आपको, शनि भगवान सिर्फ न्याय के देवता हैं। आप यदि उनके बेस को समझोगे तो आपके मन से डर अपने आप निकल जाएगा। आप सच्चाई को पहले समझो कि बेसिकली शनि भगवान है क्या, वो करते क्या हैं, वो केवल दंड नहीं देते, वो न्याय करते हैं। आपको न्याय में यदि दंड मिलना है तो दंड मिलेगा, आपको न्याय में यदि लाभ होना है तो लाभ होगा। शनि देव का काम है आप जो डिजर्व करते हो उस चीज़ को आपको देना, सिर्फ और सिर्फ इतना ही है। वो न्यायाधीश हैं, उनका वो जब भी अपने फॉर्म में आते हैं, आपके अपनी महादशा में आते हैं, अंतरदशा में आते हैं, तो वो उचित न्याय करते हैं। तो मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं शनि देव को कैसे हमेशा प्रसन्न रखा जाए, माने उनकी महादशा हो नहीं हो, अंतरदशा हो, लेकिन जब भी हो भी या ना नहीं भी हो, लेकिन वो हमेशा हमसे प्रसन्न है। यदि शनि देव आपसे प्रसन्न है तो आपके हर काम बनेंगे, हर बिगड़े हुए काम अपने आप बनने लगेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ों में ऐसी सफलताएं मिलने लगेगी, बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में ऐसी प्लस होने लगेंगी। क्योंकि कहा जाता है जब शनि भगवान देने में आते हैं तो इनसे ज़्यादा कोई दे भी नहीं पाता, वो रंग को राजा भी बना देते हैं। जब राजा को रंग बनाते हैं तो रंग को राजा भी शनि देव ही बनाते हैं। तो दोस्तों, अपन आगे बढ़ते हैं, उससे पहले एक प्रेम भरा निवेदन, अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दें। मैं कंटिन्यूशन में वीडियो डाल रहा हूँ तो कृपया इसे लाइक भी जरूर करें वीडियो को, और बेल आइकॉन का बटन प्रेस भी कर दें जिससे आपको मेरे वीडियो समय पर और जल्द मिल पाए। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यदि आप मंदिर नहीं जाते शनि देव के और तेल नहीं चढ़ाते तो आपके मन में लगता है ना कि मैं कुछ नहीं करता, कभी शनि देव के मंदिर नहीं जाता, कभी शनि का तेल नहीं चढ़ाता, तो इसका मतलब शनि देव पक्का मुझसे नाराज रहेंगे और भाई उनके महादशा में मुझे कष्ट तो होना ही है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ईश्वर भगवान कभी ये नहीं बोलते कि आप हमारे पास आओ, मंदिर पे आओ, क्योंकि जैसा किताबों में लिखा है, ग्रंथों में लिखा है, जैसे हमारे साधु संत ऋषि ने कहा है कि भगवान कण कण में व्याप्त है, मतलब आपके अंदर भी भगवान है, हमारे अंदर भी भगवान है, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आज आपको सिर्फ कुछ छोटी मोटी आदतें बदलने के लिए आपको कहूँगा, या ऑलरेडी आप कर रहे हैं वो कुछ स्वभाव में थोड़े से बहुत चेंजेस बताऊंगा, ये उनको करने से आप देखेंगे शनि देव आपसे कितने प्रसन्न रहते हैं, शनि देव पूरे पूरे आपके फेवर में आ जाएंगे। कि शनि देव को क्या प्रसन्न है, आप वो काम करोगे भाई, आप स्वाभाविक बात है आप घर में अपने पिता के अनुरूप काम करोगे तो आपके पिता खुश रहेंगे, माता के अनुरूप काम करोगे तो माता खुश रहेगी, पत्नी के अनुरूप काम करोगे पत्नी खुश रहेगी, उसी प्रकार जब आप शनि देव के अनुरूप काम करोगे तो शनि देव खुश रहेंगे। शनि देव के अनुरूप काम करने के लिए आपको कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है मित्रों। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि शनि भगवान जो होते हैं ना, वो छोटे तबके के लोगों के भगवान हैं। मतलब आप जैसे सपोज आपका दुकान है तो आपके दुकान में कर्मचारी हैं, तो कभी भी आप अपने कर्मचारी को दुखी मत कीजिए। मैं ये नहीं बोलता कि उनको ज़रूरत से ज़्यादा पैसे दीजिए या बहुत ज़्यादा काम मत लीजिए, लेकिन शोषण मत कीजिए, उनको दुख मत दीजिए, वो आपको आ ना दें या आपसे दुखी ना रहें। यदि वो दुखी रहेंगे तो शनिदेव दुखी रहेंगे। यदि आप ऑफिस में जॉब करते हैं तो आपके सबऑर्डिनेट होंगे, तो उन सेम सिद्धांत वहाँ भी लागू होता है। उसी प्रकार मतलब आप जहाँ भी काम करते हैं, यदि आपके नीचे के लोग आपसे खुश हैं तो शनि देव अपने आप आपसे प्रसन्न रहेंगे। एक प्रकार से शनि देव की पूजा हो गई आपकी। ऐसे छोटी छोटी आदतें मैं आपको बताऊंगा, जिसको आप अपने स्वभाव में डाल लेंगे, अपने आदतों में डाल लेंगे, अपने जीवन में डाल लेंगे, तो आप देखेंगे शनि देव की आपको कोई ज़रूरत नहीं है मंदिर आने की, कोई ज़रूरत नहीं है तेल चढ़ाने की, शनि देव की पूजा ऐसी आप कर लेंगे रोड पर खड़े होकर, अपने ऑफिस में बैठ के, और शनि देव
का पॉजिटिव प्रभाव भी आप अपने जीवन में पा लेंगे। तो कभी भी किसी भी लोअर तबके के लोगों को आप परेशान ना करें, अपने सब ऑर्डिनेट को या जो भी व्यक्ति मतलब घर में काम करने वाले कर्मचारी हुए, बाई हुए, झाड़ू पोछा करने वाले हुए, सभी ये सब उसी में आते हैं, ठीक है। दूसरा, कभी किसी के मजबूरी का फायदा न मत उठाएं। हम सुनते हैं ना कि अरे वो मजबूरी में बहुत कम रेट पे, उसके घर में बहुत बड़ा बीमारी हो गई तो वो मकान बेच रहा है, बहुत कम में बेच दे रहा है, तो चलो क्यों ना ले ले, हम कमा लें पैसा। नहीं मित्रों, कभी नहीं, ये काम कभी नहीं करना। कभी किसी का मजबूरी का, वो कितनी तकलीफ में उस चीज़ को बेच रहा है, आप उसको खरीदोगे? ये शनिदेव को कभी कदापि पसंद नहीं है। हाँ, आपको खरीदना है तो उसको उचित कीमत दे दीजिए। कोई गरीब सुबह से शाम तक बैठ के सब्जी बेच रहा है, उसका बिक नहीं रहा है, और शाम को पता चला आप उससे नेगोशिएट कर रहे हैं 10-20 रुपए के लिए कि कम कर दो, वो बेचारा थक हार के कम तो कर देगा, लेकिन वो 10-20 रुपए आपको बहुत बड़ा नुकसान दे देगा। तो ये काम नहीं करने का है मित्रों। किसी की कहीं से भी ऐसा लगता है कि आदमी की हम मजबूरी है तो उसका हमें फायदा नहीं उठाना है। तीसरा जो काम है दोस्तों, हमें मांसाहार और शराब के सेवन से दूर रहना है। शनि भगवान को ये भी पसंद नहीं है। तो जो लोग खाते हैं वो कृपया बंद कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, शराब पीना और मांसाहार करना, ये बंद कर दीजिए। मछली खाने की अपेक्षा तालाब में जाइए, मछलियों को आटा डालिए, शनि देव की पूजा अपने आप हो गई, कुछ करने की जरूरत नहीं आपको, शनि देव अपने आप प्रसन्न हो गए। अंधा व्यक्ति यदि आपको कहीं कोई मिल जाता है तो उसकी पूरी हेल्प करिए, शनि की पूरी पूजा वहाँ उस दिन आपकी हो जाएगी, वो आपसे पूरा प्रसन्न हो जाए। अंधो व्यक्ति की मदद किए और आपने शनि की भगवान को खुश कर दिए। कोढ़ी व्यक्ति कहीं दिखता है, कोढ़ी समझते हैं, हाँ, लेप्रोसी का मरीज यदि आपको कहीं मिलता है तो उसको दान में कपड़े लत्ते जूते चप्पल जो भी हो सकता है, जो भी उसकी नीड है यदि वो बताए तो जो मांगता है वो दीजिए, जितना आपके में सामर्थ्य है। मैं ऐसा नहीं बोलता कि आप सब कुछ दे दीजिए, लेकिन जरूर कुछ दीजिए, शनि की पूजा अपने आप हो जाएगी, शनि अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे आपसे। और लास्ट दोस्तों, कभी भी आपको कोई व्यक्ति कहीं पर लाचार या कमजोर दिखाई देता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, उससे मतलब नहीं है, आपको ऐसा लगता है वो लाचार है, उसको आपकी मदद की जरूरत है, तो उसकी मदद कर दीजिए, शनि भगवान अपने आप आपसे प्रसन्न रहेंगे। इतने छोटे छोटे छोटी छोटी बातें जो हैं मैंने आपको बताई, ये सब आप अपने आदतों में डाल लेंगे मित्रों, उसके बाद आप देखिए आपको ना मंदिर जाने की ज़रूरत है, ना तेल चढ़ाने की ज़रूरत है, ना ये पूजा करने की ज़रूरत है, ना ये जप करने की ज़रूरत है। इन आदतों के बाद मेरी गारंटी है मित्रों, चाहे कोई भी महादशा चले या शनि भगवान की 7.5 चले, अढ़ैया चले, आपको कभी भी कोई तकलीफ नहीं आएगी, आएगी भी तो जल समाप्त हो जाएगी, बड़े रूप लेके आपको परेशान नहीं करेगी, ठीक है मित्रों। तो आज के लिए बस इतना ही है, कल फिर मिलते हैं नए योग, नए टॉपिक, नए चीज़ों के साथ। जय माता दी, जय शनिदेव, नमस्कार।